खुशामदीद है आपका इमरानियात की दर्स में। हमारे आज दर्स का जो मौजू चल रहा है वो है इमरानियत की नवियत और दायरे कार के बारे में। हम जिस नुक्ते पे बात कर रहे हैं वो नुक्ता समाजी बुशियात के अलमबरदारों के बारे में है। हम समाजी बुशियात के अलम बरदारों में हिस्से अव्वल की बात करेंगे। अगर हम समाजी बुशियात के अलमदारों में बात करते हैं तो हमारे पास लुविस हेनरी मॉर्गन, जॉन फर्गसन, मैक लेनिन, एडोल्फ बस्टन और सर एडवर्ड ब्रेंट टेलर शामिल हैं। ये लोग बहुत ही अहम मशहूर समाजी बुशियात के अलमदार में से हैं। इनके बाद जल्द ही माहिरीन बुशियात जैसे कि फ्रेंस बॉस, सर जेम्स जॉर्ज फ्रेजर और WHR ने पैरवी की। बहुत से दूसरे माहिर बुशरियात भी हैं जिन्होंने बुशरियात, खास तौर पर समाजी बुशरियात की बुनियाद और तरक्की में अहम किरदार अदा किया। बहुत सारे माहिरीन हैं और बहुत सारे फलसफेदान हैं इसके अलावा जिन फलसफेदानों के बारे में हमने बात की, चाहे वो एडोल्फ बस्टन हो या ब्रेंट टेलर हो या फ्रेंस बॉस हो, सारे माहिर जो जिन्होंने बुशियात और खास तौर पर समाजी बुशियात की तरक्की में अहम किरदार निभाया। समाजी बुशियात की तरक्की में हेनरी लियोस मॉर्गन की अहम शराकतें रिश्तों के निजाम पर इनका मुताला है। ये जो हेनरी लियोस मॉर्गन है उन्होंने अहम शराकती रिश्तों के निजाम पर और इन्होंने उसका मुताला किया है जिससे इसने माशरे के इर्तिकाई मराहिल को तैयार किया और इन्होंने उन लम्हों के बारे में बात की है और वो सारी बातें माशरे के इर्तिका के बारे में हैं। इनके अहम कामों में इंसानी खानदान और कदीम माशरे की हम आहंगी और ताल्लुक के निजाम शामिल हैं। अगर हम इनकी बात करें हेनरी लियोस मॉर्गन की, तो उनमें जो माशरे की तरक्की और इंसानी खानदान उस वक्त चल रहा था उसके बारे में वो बात करते हैं। इन दोनों कामों ने कार्ल मार्क्स को तबकाती और तारीखी मदियत के अपने नजरिए को तैयार करने के लिए बहुत ही मुतासर किया और इस चीज ने कार्ल मार्क्स पे ऐसा असर डाला कि वो इन बातों से मुतासर हो गए। फर्गसन मैक लेनिन माहिर नस्लियात समाजी बुशियात की तरक्की में अहम किरदार अदा करने से पहले के माशरों में शादी के निजाम पर मबनी रसूम व रिवाज का मुताला था। फर्गसन के बारे में बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि जो शादी का मामला था, जो रसूम थे और जो सारे रिवाज थे और उन रिवाजों पे
फॉर्गेसन मैकलेनिन ने बात की और इन्हें एक अहम माहरी नस्लियात समाजी बुशरियात की तरक्की में एक अहम किरदार का रवैया इन्होंने इख्तियार किया, क्योंकि इन्होंने माशरे में शादी के निजाम, जो भी रस्म और रिवाज, क्योंकि समाज में शादी का एक अहम किरदार है और यही वो किरदार है जिससे नस्ल की अफजाई होती है और जिससे रिश्तेदारी आती है, और यही वजह है कि नस्ल कशी इससे आगे चलती है। और इन्होंने उन सारे रसूमात के बारे में बात की और सारी बातें अक्स की और इन्होंने उन बातों का मुताला किया। पहले से बड़े जिसे प्रिमिटिव मैरिज, जो पुराने दौर में शादियां हुआ करती थी, इनकी किताब लिखे माशरू में शादी की तफहीम में एक अहम शराकत थी। जो प्रिमिटिव मैरिज थी कि किस तरह से उस दौर में शादियां हो रही थी, और वो सारी शादियां हकीकत में नए दौर में मुख्तलिफ किस्म का रवैया रखती थी। और ये जरूरी नहीं है कि वो सारी शादियां बिल्कुल मुख्तलिफ हो, लेकिन उन शादियों में कुछ रसूमात जो चले आ रहे थे वो पुराने रस्मों से मिले हुए थे, और इन सारे मिले हुए रस्मों की वजह से एक लाहे अमल हमारे पास पेश आया। और यही वो फलसफेदान थे जिन्होंने हमारे पास उन शोबों की इर्तिकाई तजवीज और तबकाती और तारीखी मदियत का फलसफा हमारे पास पेश किया। समाजी बुशरियात की तारीखी जड़ें 19वीं सदी के मुतायद मजामीन में हैं। जो समाजी बुशरियात की जो तारीखी, जिसे हम हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट कहते हैं, 19वीं सदी के मुतअद्दिद मजमूनों में से है। अगर हम 19th सेंचुरी के उन मजामीन से बात करते हैं, वो सारे मजामीन हैं जो लिखे गए हैं और जो चले आ रहे हैं, और उन्हीं सारे मजामीनों के बारे में वो सारे लम्हे और जो वो सारे फलसफे 19वीं सदी से जुड़े हुए हैं, जिनमें नस्लियात, लोक दास्तानों के मुताले और क्लास की शामिल है। और उस तारीखी जड़ों में अक्सर जो बात होती थी वो नस्लियात की बात होती थी, लोक दास्तानों की बात होती थी और उनके मुताले के बारे में बात होती थी, और क्लास की शामिल थी। इसका फौरी पेश खेमा 19वीं सदी के आखिर में एडवर्ड ब्रन टेलर और जेम्स जॉर्ज फ्रेजर के काम में शक्ल इख्तियार कर गया। और यही सारी बातें जो हमने कही कि लोक दास्तान, नस्लियात, वो सारी चीजें ब्रन टेलर और जेम्स जॉर्ज फ्रेजर के काम में शामिल इख्तियार कराई गई। ये सारी चीजें, ये सारी मुताला, ये सारी पुरानी बातें, और सारी पुरानी बातें को एक में अक्स करके ब्रेंट टेलर ने या जेम्स जॉर्ज फ्रेजर ने अपने काम में उसे शामिल किया, क्योंकि तारीखी जड़ें सब हमें बता रही थी कि क्या मामला हो रहा था और क्या फलसफा चल रहा था। 1890 और 1920 की अगर हम बात करें के अरसे के दौरान, इस अरसे के दौरान तरीक़ेकार और नजरिया दोनों में बड़ी तब्दीली की गई। एक तरीक़ेकार होता है जो हम अमल में लाते हैं, और नजरिया जो
हमें बहुत सारे चीजों से बनता है, और वो सारी नजरिया हमारे रोजमर्रा के मसाइल और मामलात को पेश नजर आके हमें मिलता है। और वो सारी नजरिया या तरीका, उसमें बहुत सारी तब्दीलियां आई, क्योंकि बहुत सारे फलसफेदान गौर करने लगे जमीनी सतह पर और समाजी सतह पर, वो सारे समाज को देखने लगे, और उस समाज को देखते देखते उन्होंने समझा और सोचा कि कौन कौन सी तब्दीलियां हैं और क्या क्या तब्दीलियां हैं, शायद नजरिए में, शायद तरीके में जो आ रही है, क्यों ना हम उनको अक्स करें। जो तब्दीलियां की गई, जिसमें असल फील्ड वर्क पर एक नया जोर दिया गया, और जो इस दौरान दौर दिया गया था वो फील्ड वर्क पे ध्यान दिया गया था, कि फील्ड वर्क, एक इंसान को बाहर निकलना है और बाहर निकल के किसी चीज पे गौर करके और किसी चीज पे एक काम करके, और काम करके गौर ही नहीं खाली करके, उस पर काम करके फिर उस पर गौर करके एक एक ऐसा लाई अमल तैयार करना है जिससे हमें बहुत सारी उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। तवील मुद्दती जामिया मुताला कुदरती माहौल में समाजी रवैया जो था, और उनमें जो फील्ड वर्क की बातों में जो जामिया मुताला था कुदरती माहौल रवैया और सोशल सराउंडिंग्स जो हमारे आसपास है, इर्द गिर्द है, उनके बारे में बात हो रही थी। और यही वो वक्त था 1890 से 1920 तक, और इसी अरसे में यही सारे बातें होती थी, और इन्हीं सारे बातों में फिर हमें ये मुताला हो जाता था कि क्या हमारे लिए कौन कौन सी बातें हैं, क्योंकि इस पे पहली बात जो हो रही थी वो कुदरती माहौल के बारे में हो रही थी और समाजी रवैया के बारे में हो रही थी। और फ्रांसीसी और जर्मन समाजी नजरिया का तारुफ, क्योंकि फ्रांसी नजरिया जो था वो बहुत सारी अफरा तफरी से गुजर चुका था, और अफरा तफरी ही खाली नहीं, अफरा तफरी की वजह से बहुत सारी तब्दीलियां उसमें आ गई, और उन तब्दीलियों की वजह से एक नजरिया पेश हुआ और एक समाज की रवैये में एक तब्दीली आ गई। फिर बात आती है और एक समाजी, जो समाज समाजी बुशरियात के अलमदरदारों में से थे, उनमें ब्रोंसिला मेलिनोस्की, जो कि बरतानवी समाजी बुशरियात के सबसे अहम असरात में से एक है, जो ब्रिटिश सोशल एंथ्रोपोलॉजी के एक अहम बुशरियात से असर असरात में से है, एक है, एक अहम आदमी है ब्रिटिश बरतानवी के, और एक अहम फलसफेदान है। उसने तवील मुदती फील्ड वर्क पर जोर दिया, और उनकी बातें जो थी कि हमें फील्ड वर्क पे ध्यान देना है, और फील्ड वर्क ही वक्त के तौर पर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई काम हम उठाए, हम कोई फील्ड वर्क करें और उस फील्ड वर्क को एक महदूद लाए अमल से कुछ ही वक्त तक काबिज रखें। लेकिन बात ऐसी हो रही है कि फील्ड वर्क जो था उसका तवील मदती, जो इन्होंने बताया कि होना चाहिए,
जिसमें माहिरे बुशरियात मकामी जुबान में काम करते हैं। और उसने इसलिए जोर क्यों दिया, क्योंकि वहां पे जो माहिरे बुशरियात है वो लोकल, जिसे मकामी जबान यानी लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज में काम करते हैं। मकामी जबान से ये मुराद होता है कि जब हम किसी जगह जाते हैं, हम किसी मामले से निपटते हैं और हमें उसे निपटने के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि हम किस तरह से आपस में तारुफ करें और किस तरह से हम चीजों का तारुफ दें, और उन सारी चीजों का तारुफ देख के वो चीज हमें समझ आती है, और उस चीज को समझने के लिए मकामी जबान का अहम किरदार है। तो मेलिनोस्की जो कहते हैं, वो कहते हैं कि मकामी जबान का माहिरी बुशरियात को इल्म करें और मकामी लोगों के रोजमर्रा के तरीके में खुद को गर्क करते हैं। कहते हैं कि जो समाजी बुशरियात के माहिरीन हैं या आलमबरदार हैं, वो मकामी जबान को समझते हैं और मकामी जबान के बाद जो लोगों के रोजमर्रा के तरीके हैं उसमें घुस जाते हैं और उसमें गर्क हो जाते हैं। क्योंकि एक अहम बात यहां हमें इशारा लेती है कि अगर हम किसी भी इलाके में या किसी भी जगह में जो हमसे दूर हो, जो हमारे सकाफत से नहीं मिलती है वहां की चीजें, तो हमें एक अहम चीज का ध्यान रखना है कि हमें वहां पे उन लोगों को उन लोगों की तरह ही पेश आना है, क्योंकि जो सकाफत है वो मुख्तलिफ हो सकती है और ये जरूरी नहीं है कि किसी जगह कोई चीज जो अच्छी मानी जाती हो और दूसरी जगह उसी चीज को अच्छा नहीं माना जाता है, और ये चीज जरूरी नहीं है। क्योंकि इसीलिए हमें उस वक्त और उस अमल पर पैरोकार रहना है ताकि हम उस चीज से और हम उस फील्ड वर्क पे इंसाफ कर सकें। सकाफती दुनिया के बारे में मुख्तलिफ नजरियात पर मबनी है और इसलिए इन्हें सिर्फ अपने मयारात और इकदार के लिहाज से ही सही तरीके से समझा जा सकता है। और मकामी जबान और मकामी लोगों के रोजमर्रा के तरीकों में जब हम घुसते हैं और किसी चीज को घुसने के बाद हमें ये सबक मिलती है, हमें ये लिहाज मिलता है, हमें ये इल्म मिलता है कि इसका इकदार और इसके मयारात हम समझने में कामयाब हो जाते हैं। जो अजायब घर हैं, जैसे ब्रिटिश म्यूजियम ही बुशरियात के मुताला का वाहिद मकाम नहीं थे, जो बर्तानिया में म्यूजियम थे, अजायब घर थे, वो बुशरियात के मुताला का वाहिद ही मकाम नहीं थे, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे थे और कह रहे हैं कि बर्तानी में अजायब घर ही मखसूस म्यूजियम ही बुशरियात के मुताले के वाहिद मकाम थे। लेकिन इस चीज को कहा जाता है कि वो एक हिस्सा थे, लेकिन पूरी तरह से सारा बुशरियात मुताला का वाहिद ही मकाम नहीं था। 1870 की दहाई में
जो 1870 की दहाई में शुरू होने वाली नई साम्राज्य दौर के साथ चिड़ियाघर गैर हाजिर लेबोरेटरीज बन गए, जो 1817 की तारीख में जो साम्राज्य दौर था उससे चिड़ियाघर को गैर हाजिर लेबोरेटरीज बन गए। खास तौर पर नाम निहाद नस्ली नुमाइश या नेग्रो गांव, इस तरह अमेरिका, अफ्रीका, एशिया के वैश्यों को अक्सर अरिया पिंजरों में दिखाया जाता था। अक्सर यह होता था कि पिंजरों में नस्ली चीजों को दिखाया कर लोगों को दिखाया जाता था, जिसको इंसानी चिड़ियाघर कह जाता था। और यही वो चीज थी और इन्हीं चीजों को इंसानी चिड़ियाघर कहा जाता था, क्योंकि एक किस्म की नस्ली नुमाइश हो रही थी। जो अमेरिका या अफ्रीका या एशिया जो उस वक्त में मुतारिफ थे, उन्हें पिंजरों में दिखाया जाता था। और यही वो चीज थी जिसे इंसानी चिड़ियाघर कहा जाता था। अब बात 1906 की करते हैं। 1906 में कांगो के पिग्मी ओटा बांगा को अमरीकी माहिर बुशियात मेडिसन ग्रांट ने ब्रोंक्स चढ़ाया, जो ब्रोंक चिड़ियाघर के एक पिंजरे में रखा था। 1906 में जो कांगो का एक पिग्मी ओटमा बना था, उसको अमेरिका के माहिरी ने बुशियात ने ग्राउंड बॉकस चिड़ियाघर के एक पिंजरे में रखा था, जिस पर एक और निगोटान और सफेद नस्ल के दरमियान गुमशुदा राबित का लेबल लगाया गया था। अजीम दौड़ का गुजरना 1916 में फिर शुरू हुआ। इस तरह की नुमाइश इसी तहरीक में साइंसी नस्ल पर नस्ल परस्ती के जवाज को वाजिया करने और साबित करने की कोशिश थी। ये चीज इस तरह दिखाई गई थी ताकि जो साइंसी नस्ल परस्ती और जवाज की वाजिया करने और साबित करने की कोशिशें थी, जिसकी पहली तश्कील आर्थो डी गोबनाव के इंसानी नस्लों के अदम मसावत पर एक मजमून में मिल सकती है। 1931 में पेरिस में नौ आबादियाती नुमाइश में अब भी देसी गांव में न्यूक्लियडो नया के कांकस दिखाए गए थे। इसे 6 माह में 24 मिलियन जायरीन मिले, इस तरह के इंसानी चिड़ियाघर की मकबूलियत का सबूत है। कोशिश ये थी कि इंसानी जो इंसानी चिड़ियाघर था उसे किस तरह से मकबूलियत
आएगी और इस मकबूलियत को आके एक समाज में क्या तब्दीलियां आएगी। एबी डीलर और जेम्स जॉर्ज फ्रेजर को आमतौर पर बर्तानिया के जदीद समाजी बुशियात का साबिका समझा जाता है, जो आई बी टेलर, जिसे टेलर अक्सर हम कहते हैं, और फ्रेजर साहब, और इन्हें आमतौर पर बर्तानिया में नए समाजी माहिर, जो नए समाजी बुशियात के साबिका समझा जाता था, जो मॉडर्न सोशल एंथ्रोपोलॉजी के जो अलम बरदार हैं, इन्हें उनमें से माना जाता था और इन्हें माहिर माना जाता था, लेकिन साबिका समझा जाता था। अगरचे टेलर ने मिलनोस्की का फील्ड वर्क, फील्ड ट्रिप किया, अगरचे मिलनोस्की ने अपना फील्ड वर्क किया, लेकिन अगरचे टेलर ने मेक्सिको का फील्ड ट्रिप किया, मेक्सिको का फील्ड ट्रिप करके टेलर ने क्या चीज आई उसके सामने, उसने और फ्रेजर दोनों ने अपने तकाबली मुतालात के लिए ज्यादातर मवाद वसी मुताला के जरिए हासिल किया। टेलर और फ्रेजर, जो टेलर की बात की, उसने मेक्सिको का फील्ड ट्रिप किया, और जो फ्रेजर थे उन्होंने भी कोई काम किया, और फ्रेजर और टेलर ने अपने इन कामों को तकाबले में लाया, और तकाबले में लाके एक ऐसी चीज देखी कि क्या इनमें मुख्तलिफ चीजें हैं और क्या इनमें यकसा चीजें हैं। ज्यादातर मवाद वसी मुताले के जरिए हासिल किया, जो उनका काम था, जो उन्होंने काम किया था, उन्होंने इस चीज का वसी मुताला किया और यही मुताला करके उन्हें इल्म हासिल हुआ, ना कि फील्ड वर्क। बुनियादी तौर पर क्लासिकी यूनान और रूम का अदब और तारीख है। इब्तिदाई यूरोपी लोग नवीसों के काम और मिशनरियों, मुसाफिरों और हम असर नस्ली माहिरीन के रिपोर्ट्स और इंसानियत की यूनिलेरियलिज्म, टेलर ने यकसानियत की एक शक्ल की भरपूर वकालत ने खास तौर पर सकाफती फैलाई। इन लोगों ने जो उस वक्त जो भी इल्म मिलता था, जो भी हमारे पास इल्म था और जो भी हमारे पास काम हो चुका था, या तो मिशनरीज का काम था या तो मुसाफिरों का काम था, और उन्हीं काम को अमल में लाके जो इंसानियत का, इंसानियत की यकसानियत, यूनिलिनियरिज्म की एक शक्ल को भरपूर वकालत ने खास तौर पर सकाफती फैलाई, टेलर की नजरियात की बुनियाद रखी, ये बताते हुए कि तीन तरीके हैं कि मुख्तलिफ ग्रुहों में
एक जैसी सकाफती शक्ल या टेक्नोलॉजी हो सकती है कि या तो सकाफती शक्ल या तो टेक्नोलॉजी एक जैसी हो सकती है। क्या आजाद इजाद वारिसात में आबाओ अजदाद एक दूर दराज इलाका एक नस्ल से दूसरी नस्ली में मुंतकली जब एक नस्ल से दूसरे नस्ल में मुंतकली होते हैं और अक्सर इस तरह से होती है एक नस्ल दूसरे नस्ल की हम आहंगी को मद्देनजर रखते हुए फिर सारी चीजें हमारे पास आती हैं क्योंकि एक नस्ल और दूसरे नस्ल में जब आपस में मिलाप हो जाता है तो इन दोनों नस्लों में यकसान होके कोई नई चीज आती है जिसमें इन दोनों नस्लों के जो भी चीजें होती हैं आ जाती हैं। टेलर ने सकाफत के इब्तिदाई और बाअसर बुशरियाती तस्वीरात में से एक को वो पेचीदा मुकम्मल जिसमें इल्म अकीदा फन इखलाक कानून रस्म और रिवाज और माशरे के अरकान के तौर पर इंसानों की तरफ से हासिल की गई कोई दूसरी सलाहतें और आदात शामिल है। अगर हम टेलर की बात करते हैं उसने सकाफत की इब्तिदाई में जिन बातों की बात की उनमें इल्म के बारे में बात की उनमें अकीदे के बारे में बात की उनमें फन के बारे में बात की उनमें मासे के अरकान के बारे में बात की और इंसानों की तरह हासिल गई कोई दूसरी सलाहतों की आदात की भी शामिल है। ताहम जैसा कि स्टॉगनन नोट करता है टेलर बुनियादी तौर पर और नक्शा साजी करने से मुतालिक था बजाय इसके कि बड़े फंक्शन के साथ और वो आमतौर पर गैर जहती कसीर जहती के ख्याल के बजाय तरकी का विक्टोरियन नजरिया इख्तियार करता नजर आया। हमने टेलर की बात की टेलर ने फन इल्म का जिक्र किया बाद के माहिरीन बुशरियात की तरफ से तजवीज करदा सकाफती तब्दीली टेलर ने इंसानों में मजहबी अकायद के इब्तिदा के बारे में भी नजरिया पेश किया। टेलर यही तक नहीं रुका टेलर ने इंसान में मजहबी अकायद जो मजहबी अकायदे हैं जो मजहबी कायदे कानून है क्योंकि वो सारे कवानीन हमारे समाज में असरअंदाज रहते हैं और वो हर तबके के लोगों को असर करती है क्योंकि टेलर ने इंसान में मजहब की इब्तिदाई बारे में नजरिया पेश किया इब्तिदाई मरहले के तौर पर एक नजरिया हैवानियत की तस्वीर तजवीज पेश की उसने नजरिया पेश किया उसने हैवानियत की तजवीज पेश की और ये नोट क्या कि मजहब के बहुत से अज्जा हैं
जिनमें से वो माफोकुल फितरत मखलूकात में यकीन को सबसे अहम समझते थे। अगर हम मजहब की बात करते हैं, मजहब में हमें एक अहम चीज होती है जिसे यकीन कहते हैं, और मजहब में जो भी चीजें आती हैं वो यकीन पर मुश्तमिल होती है। और जो बहुत सारे मजहब हैं, जो उनकी दलाइल हैं, जो उनका तरीक़ेकार हैं, वो इंसान उसको यकीन करके फिर अपने आप में वो चीज़ें लाता है, और वही चीज़ें लाके फिर उनको समाज से आशना करता है, और समाज मजहब के यकीन की वजह से असर अंदाज होता है। जिनमें से वो माफूकुल फितरत मखलूकात में यकीन को सबसे अहम समझता है, और यही बात है कि टेलर इस बात को बहुत ही अहम समझता है कि ये सारी चीजें और ये सारा यकीन एक इंसान का होके फिर इसी यकीन को आके एक इंसान अपने आप में वो सारी चीजें लाता है, और टेलर इसी बात पे ज्यादा तवज्जो करते हैं। फ्रेजर एक स्कॉटिश स्कॉलर जिसका क्लासिकी इल्म का वसी इल्म है, खुद को मजहब अफसाना और जादू से भी वाबस्ता रखता है। फ्रेजर जो थे स्कॉटिश स्कॉलर थे, जिनको खासतौर पर क्लासिकी के बारे में बहुत इल्म था, खुद को वो मजहब अफसाना जादू से भी वाबस्ता रखता था। गोल्डन बुक के मुताइद एडिशनों में इनकी तकाबली मुतालात ने दुनिया भर में मजहबी अकायदे और अलामत में ममासलत की तजवीज किया। गोल्डन बो जो मुतैद जो उनका मुतैद एडिशन था जो उनका मुतैद एडिशन था इन्होंने उसमें अपनी जगह पाई है। जो इनका तकाबला मुतालात मजहब के अकीदे अलामत में मिसालात का तजवीजा किया, उन्होंने इस चीज का तजिया किया जिसमें मजहब के बारे में बात होती थी, जिसमें अकायदे के बारे में बात होती थी, और जिसमें अलामत के बारे में बात की होती थी। ताहम न तो टेलर और ना ही फ्रेजर फील्ड वर्क में खास दिलचस्पी रखते थे। टेलर और फ्रेजर दोनों आपस में फील्ड वर्क में दिलचस्पी नहीं रखते थे कि सकाफती अनासिर और इदारे किस तरह एक साथ फिट बैठते हैं, और इस तरह की बातें भी नहीं करते थे कि सकाफती अनासिर और इदारे किस तरह से एक साथ फिट बैठते थे। गोल्डन बॉफ को इसके पहले के बाद के एडिशन में बड़ी हद तक मुख्तसर किया गया, और इसको सारी चीजों को मुख्तसर किया गया, और इसको मुख्तसर करके फिर समाजी उलूम में एक नई
इल्म आई। बीसवीं सदी के आगाज की तरफ बात करें, मुतादीन मुताइद माहिरीन बुशरियात सकाफती अनासिर की इस दर्जा बुनियादी से गैर मुतइन हो गए। तारीखी तामीर नौ भी इनके लिए तेजी से कयास आराया लगने लगी। कई नौजवान स्कॉलर के जेर असर बरतानवी माहिरीन बुशरियात के दरमियान एक नुक्ता नया नुक्ता नजर गालिब हुआ, जो बरतानिया के माहिरीन बुशरियात थे उनके दरमियान एक नया नुक्ता नजरिया गालिब हुआ, जिसका ताल्लुक इस बात का तज्जिया करने से था कि माशरों ने मौजूदा दौर में किस तरह एक साथ रखा। मुताबकत का तज्जिया बजाय डाइक्रोनिक या तारीखी तज्जिया और तवील मुदती एक से कई साल पर जोर दिया। विसर्जन फील्ड वर्क, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने टोरस स्ट्रेट जो एक जगह है, टोरस स्ट्रेट आइलैंड है, एक जजीरा है, के लिए एक कसीर शोबा मुहिम की माली आनत फरहम की। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने एक माली आमनत फरहम की जिसका एहतमाम एल्फर्ड कोट हेडन ने किया और इसमें एक माहिर बुशियात विलियम रोरस नेज माहिर माहिर लिसानियात माहिर निबातात और दीगर शामिल थे, माहिरीन शामिल थे। और जो भी इस दौर में बातें हुई इसमें सारे माहिरीन थे, चाहे माहिरीन लिसानियात था या माहिर नबातात था या दीगर माहिर थे, वो एक साथ इसमें शामिल थे। मुहिम के नताइज ने निसालाती वजाहत के लिए नई मयारात मुरातिब किए हैं और इन्होंने मिलके नई तरतीबें रखी और नई चीजें हमारे पास लाई। डेढ़ दाई के बाद पॉलिश बुशरियात का तलब इल्म ब्रोंसिला मेलिनोस्की वो शुरू कर रहा था, जिसकी इसने तवक्कु की थी कि पुराने मॉडल में फील्ड वर्क का एक मुख्तसर अरसा हो गया, सकाफती अशिया की फहरिस्तें जमा कराना। जब पहली जंग अजीम के आगाज ने इसे नई दुनिया में फंसा दिया, गैनी बरतानवी नवाबादी कस्बे में ऑस्ट्रो हंगरी सल्तनत के रिहायशी के तौर पर वो मुआसिर तरीके से कई सालों तक न्योगनी तक महदूद रहा। इसने बरतानवी माहिरीन बुशरियात के इसने माहिरीन बुशरियात के मुकाबले में कई ज्यादा गहरा फील्ड वर्क करके वक्त का इस्तेमाल किया और इसकी क्लासिक नस्लियात आर्गोनाटस ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक जो 1922 में हमारे पास आई ने फील्ड वर्क के लिए एक ऐसे नुक्ता नजर की वकालत की जो मैदान में मयारी बन गई,
जो इन्होंने किताब लिखी ऑर्गेनेटस ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक, उसमें फील्ड वर्क की बात की थी और हिस्सा लेने वाले के जो इन्होंने फील्ड वर्क में हिस्सा लिया था और इसको नुक्ते नजर की वकालत की, जो मैदान में माहिर मयारी बन गई। अबाई का नक्ता नजर हासिल करना हिस्सा लेने वालों के मुशाहिदे के जरिए नजरियात तौर पर इसने एक फंक्शनलिस्ट तशरी की वकालत की। इन्होंने फंक्शनलिस्ट की तशरी की, भाषियत एक फंक्शनलिस्ट की तशरी की, जिसमें इस बात का जायजा लिया गया कि किस तरह समाजी इदारे इनफरादी जरूरियात को पूरा करने के लिए काम करते हैं, और इस चीज का जायजा लिया गया कि समाजी इदारे इनफरादी जरूरियात को पूरा करने के लिए किस तरह से काम लिया जाता है, और इन्होंने उस चीज पे ज्यादा जोर दिया। जदीद जो जदीद समाजी बुशियात हैं, जदीद समाजी बुशियात की बुनियादी बर्तानिया में पहली जंग अजीम के बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में रखी गई, जो जदीद समाजी बुशियात हैं उसमें लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का एक अहम रोल था। असरात में दोनों तरीके कार इनकलाब शामिल हैं, जो मेलिनेशिया के ट्रोब्रैंड जजायर में प्रोंसिला मेलिनोस्की के आमिल पर मबनी फील्ड वर्क और फेडरिक रेडक्लिफ ब्राउन के निजाम के नजरियाती प्रोग्राम के लिए पेश किए गए थे। मवाजना जो कि सख्त फील्ड वर्क के तस्वीर जो सख्त फील्ड वर्क के तस्वीर पर मबनी था और डर्केम के समाजियात के ढांचे के फंक्शनलिस्ट तस्वीर में पर मबनी था। दीगर दानिश्वरों के बानियों में डब्ल्यू एच आर रिवर्स और ए सी हेडन शामिल हैं, जो समाजी माहिरी समाजी बुशियात थे, जिनकी वाकियात वलेहम वेंडिट और एडोप बोस्टियन की हैं कि हम असर पैरा साइकोलॉजीज की अकासी करती है, और सर आईपीटी एफन ऑगस्ट कॉम्टे के बाद एक मुस्बत साइंस के तौर पर बुशियात आई। एडमर्ड लीच 1962 ने समाजी बुशियात की तारुफ एक किस्म की तकाबली माइक्रो सोशियोलॉजी के तौर पर की है, जिसकी बुनियाद गहरी फील्ड वर्क स्टडीज पर है। स्कॉलर्स ने साइंस और माशरे की नवियत पर कोई नजरियाती ऑर्थोडॉक्स तय नहीं किया है, और इनके तनाव इन ख्यालात की अकासी करते हैं जिनकी शदीद मुखालिफत की जाती है। ए आर रेडक्लिफ ने 1982 में एक अहम काम भी शाया किया, जिसने अंडमान जजायर में तारीखी तामीर नौ के पुराने अंदाज में अपने इब्तदाई फील्ड वर्क अंजाम दिया था। ताहम फ्रांसीसी माहिरीन समाजियात
एमिल इमाइल डर्कहाइम और मार्सल मास के काम को पढ़ने के बाद रेडक्लिफ ब्राउन ने अपनी तहकीक का एक अकाउंट शाया किया जिसका अनुमान सिर्फ अंडमान आइलैंड था, जिसमें रसूमात और खुराफात के मानी और मकसद पर पूरी तवज्जो दी गई। वक्त गुजरने के साथ इसने एक ऐसा नुक्ता नजरिया तैयार किया जिसे सकाफती फईलियत के नाम से जाना जाता है, जिसने इस बात पर तवज्जो मरकूज की कि माशरे में इदारे किस तरह तवाजुन कायम करने के लिए काम करते हैं, क्योंकि माशरे में बहुत सारी चीजें बनती हैं और माशरा बहुत सारी चीजों से बनता है और ये सारी चीजें एक दूसरे की वाबस्तगी से आते हैं और यही वजह है कि जो समाज का तवाजुन है, माशरे का तवाजुन है, वो इन्हीं चीजों का होता है। समाजी निजाम में तवाजुन पैदा करते हैं ताकि इसे हम आहंगी से काम कर सके, जिसे इक्वल यकसान बराबरी और अपनी अपनी जगह देके सब काम कर सके, इस पे ज्यादा जोर दिया। ये मेलिनोस्की फी फंक्शनलिज्म से मुतसादिम था और बाद में आने वाले फ्रांसीसी सख्तियात से बिल्कुल मुख्तलिफ था, जिसने जबान और अलामत में तस्वीर ढांचे का जायजा लिया था। मेलिनोस्की और दूसरा जो था वो रेडक्लिफ था। रेडक्लिफ ब्राउन का असर इस हकीकत से पैदा हुआ कि उन्होंने बॉस की तरह फाइल तौर पर तलबा की तरबियत दी और जो इनके प्रोग्रामाती अजायम को आगे बढ़ते थे। ये खास तौर पर रेडक्लिफ ब्राउन के साथ मामला था जिसने बरतानवी सल्तनत और दौलत मुश्तरका की यूनिवर्सिटियों में पढ़ाकर समाजी बुशियात के लिए 1930 की दहाई में, जो 1930 की दहाई के आखिर से जंग के बाद के दौर तक मैंग्रोफिस, जो मोनोग्राफिक जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, और तरमीम शुदा जल्दों का एक सिलसिला नमूदार हुआ जिसने ब्रिटिश सोशल की मिसाल को मुस्तकिम किया। ब्रिटिश सोशल एंथ्रोपोलॉजी द न्यूर मशहूर नस्लियात में शामिल है, द डायनेमिक ऑफ क्लनशिप अमंग द टेलिसनी बाय मेयर फोर्ट्रेस, जो मेयर फोर्ट्रेस ने लिखी, जो द न्यूर एडवर्ड एवान यूनस ने लिखी, मारूफ तरमीम शुदा जिल्दों में अफ्रीकन सिस्टम्स ऑफ किनशिप एंड मैरिज और अफ्रीकन पॉलिटिकल सिस्टम शामिल है। दूसरी जंग अजीम के बाद समाजी सकाफती बुशियात जो कि नस्लियात और नस्लियात के शोबों पर मुश्तमिल थी, एक अमरीकी स्कूल ऑफ कल्चर कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में तब्दील हो गई, जबकि समाजी बुशियात ने साख्त के फंक्शनलिज्म के उसूलों को चैलेंज करते हुए कॉलोडियो लियो स्ट्रास के नजरियात को जज्ब करके यूरोप में मतनू बनाया।
मैक्स गैलेकमैन के पैरोकार और तनाजात तब्दीली शहरी बुशियात और नेटवर्क्स के मुताला को कबूल करते हैं। लिंग्विस्टन इंस्टीट्यूट में अपने बहुत से साथियों और मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के तलबा के साथ, जो इज्तिमाई तौर पर मैनचेस्टर स्कूल के नाम से जाना जाता है, ने वाजिया तौर पर मार्क्स से आगा नजरिया तारुफ कराने, तनाजियात और तनाजियात के हल पर इनको जोर को नए समेतु में लिया। ब्रिटिश सोशल एंथ्रोपोलॉजी और इनके जरिया जराए लिया, जो एक अहम ब्रिटिश सोसाइटी ऑफ एंथ्रोपोलॉजी थी, उसका नजरिया लिया, इन तरीकों पर तवज्जो दीन, जिनमें अफराद गाफ्त व शनीद करते हैं और समाजी साख्ती इम्कानात का इस्तेमाल करते हैं। इस अरसे के दौरान ग्लिकमैन अमरीकी माहिर बुशियात पाल बोनिन के साथ कानून के बुशियाती मुताले के अंदाज अंदर नस्लियाती तरीकेकार पर झगड़े में भी मुलविस रहे, क्योंकि अक्सर जो बहस रहती थी और इनमें एक किस्म का झगड़ा रहता था, क्योंकि एक इंसान का एक अपना नजरिया होता है, दूसरे इंसान का अपना नजरिया होता है, और इन दोनों नजरियों में फिर एक नजरिया निकलता है और उसी नजरिए की वजह से हमारे पास बहुत सारा मवाद आता है। इसका ख्याल था कि नस्ली अदाद व शुमार में इस्तेमाल होने वाली मकामी असलाहत का तर्जमा एंग्लो अमेरिकन कानूनी असलाहत में किया जाना चाहिए, ताकि कारी के फील्ड वर्क कारी के फायदे के लिए अंजुमन बराए समाजी बुशियात बर्तानिया और दौलती मुश्तरियका की बुनियाद 1946 में रखी गई थी, क्योंकि उस दौर में बहुत सारे काम हुए थे और वो सारे काम एक तरह से इन सारे अलमबरदारों की वजह से हुए थे, और ये सारे अलमबरदार जिन्होंने एक तरीकेकार लिया और उस तरीकेकार को अपने पास लाया और अपने पास होके फिर इन्होंने बहुत सारे लोगों के पास जाके उस इल्म को फैलाया, और यही सारे अलमबरदार थे जिन्होंने सारे काम किए जिनके बारे में हमने इस दर्स में बात की। और इस दर्स में हमारे पास इन्होंने सारी चीजें आया कर दी, और जिनसे हम समाजी बुशियात के बारे में बात करते हैं और हमारी बातें होती हैं। लेकिन इसका नुक्ता यही मिलता है कि समाजी बुशियात का जो उरूज है मुख्तलिफ वक्तों में होता है। नमस्ते, आपका शुक्रिया।